अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हबीब ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करेंगे जो डाओ यूनिवर्सिटी के पास्ट एमसीक्यूज है, क्योंकि हमने पहले भी लेक्चर में बताया कि जो हमारा आइंदा जो लेक्चर्स होंगे वो डाओ यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स पर हैं। जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, एल इट मींस एल्यूमिनियम प्लस टू चार्ज इज अ सिंबल फॉर एल्यूमिनियम अल्फा एटम बीटा आयन चार्ली केट आयन डी एन आयन। ये आयन को भी शो करता है, लेकिन जो इसका बीसीक्यू जो आंसर है वो केट आयन है। इट मीन्स चार्ली इज द राइट ऑप्शन। जो इसका ऑप्शन होगा राइट वो कौन सा होगा? चार्ली राइट ऑप्शन होगा। इसको हम आयन्स भी कह सकते हैं, अगर केटायन या एनायन ऑप्शन ना हो, या केटायन ऑप्शन ना हो, एनायन चाहे हो भी तो फिर भी इसको हम एनायन कहेंगे। अगर केटायन है तो ये जो बीसीक्यू है वो केटायन होगा। एमसीक्यूस नंबर टू, ऑब्जेक्ट ऑफ द साइज ऑफ एटम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अल्फा इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सरे स्पेक्ट्रम चार्ली एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डेल्टा अ विजिबल स्पेक्ट्रम। ऑब्जेक्ट की जो साइज है, एटम की जो साइज है वो ऑब्जर्व की जा सकती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, एक्सरेज स्पेक्ट्रम की मदद से, या जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसकी मदद से, या विजिबल जो स्पेक्ट्रम है उसकी मदद से। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि जो एटम है वेरी स्मॉल इन साइज है तो उसको देखने के लिए मैग्नीफाई माइक्रोस्कोप होगी, वही यूज होगी। एमसीक्यूज नंबर थ्री, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूलर रिलेटिव टू द मास ऑफ वन हाइड्रोजन इज अल्फा 60,000 बीटा 50,000 चार्ली 65,000 डेल्टा 68,000। जो इसका राइट ऑप्शन होगा एमसीक्यूस नंबर थ्री का वो है डी, इट मींस 68,000। जो मॉलिक्यूलर मास है हेमोग्लोबिन का रिलेटिव टू द मास ऑफ हाइड्रोजन ये होगा, मतलब हाइड्रोजन से जो इसका मास है हेमोग्लोबिन का ये इतना ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ हाइड्रोजन। एमसीक्यूस नंबर फोर, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज 100 नैनोमीटर इन एसआई यूनिट विजिबल इज। जो नैनोमीटर्स है ये इस्तेमाल इन यूनिट है, लेकिन ये जो 500 नैनोमीटर है इनको चेंज करना है एसआई यूनिट में। तो एसआई यूनिट जो नैनोमीटर जो ये लेंथ का यूनिट है नैनोमीटर्स, तो एसआई यूनिट है हमारे पास मीटर है, तो नैनोमीटर को चेंज करना है मीटर में। नैनो मीन्स 9, इट मीन्स 500 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? अल्फा 5×10⁸ मीटर्स, बीटा 5×10⁹ मीटर्स एंड चार्ली 500×10⁻⁷ मीटर्स एंड डेल्टा 500×10⁹ मीटर। जो इसका राइट ऑप्शन है एमसीक्यू नंबर फोर का वो क्या होगा? डेल्टा होगा। इट मीन्स 500×10⁹ मीटर्स। इसको आप करेक्ट भी कर सकते हैं, अगर हम 0.5.00 लगाएं तो फिर ये हो जाएगा कि 5.00×10⁻⁷ हो जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 5, द एटॉमिक मास इज मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट AMU व्हिच इज इक्वल टू। ये बहुत आसान और इजी एमसीक्यूज है। जो एटॉमिक मास है वो हम मेजर करते हैं 1.61×10⁻²⁷ kg, बीटा 1.661×10⁻²⁴ kg, चार्ली 1.661×10⁻²⁷ ग्राम एंड डेल्टा 1.661×10⁻²⁴
मिलीग्राम, जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो अल्फा राइट ऑप्शन होगा। अगर ग्राम को करें तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री थ्री, तो इट मींस 1.661 इंटू 10 रेज पावर -31 ग्राम, ये भी राइट ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन होगा तो मतलब वो राइट होगा। एमसीक्यू नंबर 6, व्हिच ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल इज नॉट चार्ज्ड, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो चार्ज नहीं होता, उस पर चार्ज नहीं होती। अल्फा इलेक्ट्रॉन, बीटा प्रोटॉन, चार्ली न्यूट्रॉन, डेल्टा ऑल ऑफ दीज। जो चार्ज लेस पार्टिकल होता है वो न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होती है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होती है, तो इस वजह से जो चार्ज लेस पार्टिकल है सब एटॉमिक पार्टिकल वो न्यूट्रॉन ही होगा। मोस्ट इजी एमसीक्यूज था ये। एमसीक्यू नंबर 7, Cr2O और जो इसका कैटायन है वो -2 इज अ अल्फा डबल साल्ट, बीटा अ कॉम्प्लेक्स साल्ट, चार्ली अ कॉम्प्लेक्स एनायन, डेल्टा अ कार्बो कैटायन। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सी अ कॉम्प्लेक्स एनायन। जो Cr2O7 है ये एक कॉम्प्लेक्स एनायन है। एमसीक्यू नंबर 8, एक्सरे वर्क हैज शोन डेट द डायमीटर ऑफ एटम आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जो एक्सरेज है जो वर्क करता है डायमीटर जो एटम्स की है किस ऑर्डर पर, अल्फा 8 × 10⁻¹⁰ मीटर्स, बीटा 2 × 10⁻¹⁰ मीटर्स, चार्ली 8 × 10⁻¹⁸ मीटर्स, डेल्टा 2 × 10⁻¹⁰। ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वजह से आप वीडियो को पास करें और देखें, उसके बाद आप खुद भी अपना सॉल्व कर सकते हैं। जिसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बीटा होगा, 2 × 10⁻¹⁰ मीटर इज द राइट ऑप्शन। एक्सरेज वर्क हैज शोन डेट द डायमीटर ऑफ एटम्स आर द ऑर्डर ऑफ, एक्सरे जो वर्क करता है जो डायमीटर है एटम का वो कौन सा होगा, 2 × 10⁻¹⁰ मीटर्स। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 यूनिट, व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल ऑफ क्लोरीन ग्राम्स। जो रिलेटिव मास है एटॉमिक मास क्लोरीन का वो 35.5 यूनिट है। व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल ऑफ क्लोरीन, जो 2 मोल क्लोरीन होगा तो उसका मास क्या होगा, 1 मोल इक्वल टू 35.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये इसका आंसर क्या होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 35 को, जैसे आप 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 7.1। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बीटा इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 9, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज द हाईएस्ट इन, हाइड्रोजन की जो परसेंटेज किस चीज में हाईएस्ट होगी। अगर यहां पर बात करें तो कार्बन का जो रेशियो है, जो मास है कार्बन का वो 12 है और हाइड्रोजन का 4 है, तो इट मींस 3.1 रेशियो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 14 होता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ पर मास मीथेन के एज कम्पेयर टू लेस है, और यहाँ पर जो मास है वो है ही हाइड्रोजन H4 है, तो यहाँ पर परसेंटेज वैसे भी ज़्यादा ही है 40 में, और जो डेल्टा है यहाँ पर एक ही मालिकुलर फॉर्म में H4, और यहाँ पर जो डेल्टा है C6H12O6, जो यहाँ पर परसेंटेज है वो हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा है। इट मींस इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। हाइड्रोजन की परसेंटेज यहां पर 12 है, इट मींस 1:2:1।